नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, आज बिहार में सीट शेयरिंग से पहले आज भी चाचा पारस और चिराग के बीच में जो है कसमकस लगातार जारी है। एक तरफ चर्चाएं ये है कि चिराग पासवान को एनडीए कोटे से 5 सीटें दी जा सकती है, वहीं चाचा पाशुपति पारस जो कि फिलहाल केंद्रीय मंत्री हैं उन्हें 1 भी सीट नहीं दी जाएगी। बीते दिन पाशुपति कुमार पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये जरूर जाहिर कर दिया कि वो अब भी पीछे नहीं हटे हैं, उम्मीदें उनकी जो है वो अब भी बरकरार है। और उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया इशारों में कि कुछ भी हो जाए, जो उनकी सीट है जहां से उनके सांसद चुनाव जीत कराए थे पिछली बार, वहां से वो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, चाहे वो वैशाली की सीट हो, चाहे वो समस्तीपुर की सीट हो, चाहे वो नवादा की सीट हो। अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर हैं। हम उनसे जानेंगे कि इतनी चर्चाओं के बीच भी पाशुपति कुमार पारस की उम्मीदें अभी बरकरार है और लगातार वो ये दावा कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हाजीपुर, वैशाली, नवादा जो तमाम सीटें हैं वहाँ पर चुनाव वही लड़ेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं, किसे धमकी दे रहे हैं वो? देखिए, एक बात तो है एकदम कि पाशुपति कुमार पारस जो लोजपा राष्ट्रीय के अध्यक्ष हैं और नरेंद्र मोदी कैबिनेट में वो मिनिस्टर हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन एक बात समझना होगा, बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति कैसे हुई कि जेपी नड्डा से चिराग पासवान की मुलाकात के बाद जो चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि पाँच सीट उनको एनडीए फोल्ड से भारतीय जनता पार्टी से बात हो गई। जेपी नड्डा से उन्होंने कहा है 5 सीट। अब ऐसे में देखिए पेच कैसे फंस रहा है, ये पेच फंस रहा है कि पाशुपति कुमार पारस को यह बात अपने एनडीए फोल्ड में करनी चाहिए थी, बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए, बगैर कहे हुए, तब अंदर खाने में बात होती। अब मीडिया के समक्ष वो सब बात कर रहे हैं तो कहीं ना और ये तूल पकड़ लिया इस बात का, और कहीं ना कहीं ये अच्छा मैसेज एनडीए के लिए नहीं जा रहा है, क्योंकि चुनाव मुहाने पर खड़ा है, चुनाव की घोषणा होने वाली है चुनाव, और ऐसे में जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हम 3 सीट पर लड़ेंगे तो यह किसको वो चुनौती दे रहे हैं, यह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वो चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं, भाजपा को चुनौती दे रहे हैं निश्चित रूप से। डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी ड्राइविंग सीट पर है और बड़े भाई की भूमिका में है एनडीए में, तो वो किसको चुनौती दे रहे हैं? आपको मैं रोकना चाहूंगा, चूंकि लोगों में एक चर्चाएं हैं कि वो तो चिराग पासवान को धमकी दे रहे हैं, आपसे मैं समझना चाहूंगा कि ताकि हमारे दर्शक भी समझ सके कि आखिर वो भारतीय जनता पार्टी को कैसे चुनौती दे रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान तो एनडीए फोल्ड में है और उनको जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, जो फोटो जो पब्लिक डोमेन में है, जो जेपी नड्डा से चिराग पासवान के मिले और उसके बाद जो पब्लिक डोमेन में फोटो आए, वह सब दिखाई पड़ता है कि वह जेपी नड्डा से बात सौहार्दपूर्ण ढंग से हुई और जेपी नड्डा ने एश्योरेंस दिया चिराग पासवान को कि आप 5 सीट पर लड़िए। लेकिन यह एश्योरेंस नहीं है, इंक्लूडिंग हाजीपुर, जो चिराग पासवान चाहते थे हाजीपुर की बात तय हुई, हाजीपुर की बात चिराग पासवान ने कहा भी कि हमारी तय हो गई बात, और अन्य 4 सीट, तो यह 4 सीट और 5 सीट सिर्फ हाजीपुर सीट नहीं है, उसमें 4 सीट और भी है उनके साथ। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो पारस जी हैं, पाशुपति कुमार पारस का यह कहना कि हम जो है सो नवादा, हाजीपुर और समस्तीपुर सुरक्षित सीट पर हम ही लड़ेंगे, तो हाजीपुर तक तो हमको समझ में आ रहा था, लेकिन नवादा और समस्तीपुर सुरक्षित सीट पर वो जो कह रहे हैं, तो वो एक तरह से वो भारतीय जनता पार्टी को ही चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे वो लड़ेंगे। वो अभी तो अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ है सीटों का, ये सिर्फ चिराग पासवान ने कहा है कि 5 सीट हमको भाजपा के कोटे से भाजपा ने एनडीए ने हमको कहा है लड़ने के लिए, तो अब ये सीट तो अभी आवंटन नहीं हुआ है, सिर्फ उसमें यही शर्त चिराग पासवान की थी मजबूती के साथ, और उनका दावा था कि हम हाजीपुर लड़ेंगे, हाजीपुर हम किसी शर्त पर नहीं छोड़ेंगे, मेरे पिता की विरासत है उसको और हमें कोई कंप्रोमाइज, तो हाजीपुर तो उनको मिल गया चिराग पासवान को, लेकिन ये लोग नवादा और समस्तीपुर, तो यह पेच कहीं ना कहीं यह बड़ा पेच वो कैसे नवादा देखिए नवादा में अमित शाह ने पिछले दिनों रैली किया था, वो सब कुछ है पब्लिक डोमेन में है, सब लोग इससे वाकिफ है, बिहार के आम आवाम इससे वाकिफ है कि वो अमित शाह ने कहा था कि इस बार नवादा से कमल फूल खिलेगा, कमल का ही कोई प्रत्याशी इस बार चुनाव लड़ेगा, तो स्पष्ट है कि चिराग पासवान के पाले में वह सीट नहीं है, यह तो दिखाई पड़ रहा है, वहां से कमल छाप पर ही कोई उम्मीदवार खड़ा होगा, तो यह कहना कि इस नवादा से हम ही लड़ेंगे पारस जी का, यह कहीं ना कहीं यह डायरेक्ट फाइट दिखाई पड़ता है। समस्तीपुर में देखिए, समस्तीपुर की भी बात वही है, समस्तीपुर सुरक्षित सीट पर जो है सो
जब चिराग पासवान के पाले में है, जब एनडीए ने उनको माने भारतीय जनता पार्टी ने उनको एश्योरेंस दिया है, तो बात है तो वो वहां पर तो चिराग पासवान ही लड़ेंगे, चिराग पासवान की पार्टी ही लड़ेगी, लेकिन अभी भी वहां पर क्लियरिटी नहीं। हो सकता है कि समस्तीपुर सुरक्षित सीट चिराग पासवान छोड़ के गोपालगंज सुरक्षित सीट पर की बात करें, क्योंकि वह जदयू के फोल्ड में। तो यह देखिए अभी पहले से कोई बात बोलना यह अभी और अभी प्रेस मीडिया के सामने यह ठीक नहीं किसी का भी बनता है। चिराग पासवान ने भी वही बोला कि 5 सीट हमको देने की बात हुई है, इंक्लूडिंग हाजीपुर, हाजीपुर को साथ में लेकर कुल मिलाकर यह समझा जा सकता है कि पशुपति कुमार पारस ने चिराग को नहीं बल्कि भाजपा को धमकी दी। देखिए निश्चित रूप से, और जिस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिस टोन और ट्यून उनका है, तो वह कहीं ना कहीं भाजपा को वो एक तरह से वो बता रहे हैं कि देखिए भाई हम ऐसा नहीं होगा तो हम दूसरा रास्ता भी अख्तियार कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि अभी कहीं दूसरे जगह जाने की बात नहीं, भी एनडीए में हम हैं, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं इस तरह से तलखी भरी आवाज में बोलना कहीं ना कहीं वह दिखाई पड़ता है कि कुछ न कुछ है। एक और सवाल आपसे आखिरी में लेना चाहेंगे, क्या वो इंडिया गठबंधन को का सहारा लेंगे या फिर वो अकेले चुनाव लड़ करके हराने का काम करेंगे? देखिए अगर यदि वो इंडिया गठबंधन में जाते हैं तब तो एक अलग विषय है, अभी तो वो पारस जी ही बताएंगे कि इंडिया गठबंधन में जाएंगे क्या, लेकिन अगर निर्दलीय भी लड़ते हैं तो वह अब कैसे होगा? अगर यदि निर्दलीय लड़ेंगे तो वो सब लोग समझ में आ जाएगा कि वो किसके इशारे पर लड़ रहे हैं, तब देखने वाली बात होगी कि इंडिया अलायंस वहां पर से कैंडिडेट दे रहा है कि नहीं, महागठबंधन वहां से कैंडिडेट दे रहा है कि नहीं। अगर महागठबंधन कैंडिडेट नहीं देगा तब तो समझ में आ जाएगा कि वो सेटिंग गेटिंग वाला जो फॉर्मूला अंदर खाने में जो होता है वही है, यही तो पॉलिटिक्स में तो यही होता दिखाई पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं या बेहतर ये पॉलिटिकल विजन की बात हमको लगता है कि यह इसमें कहीं ना कहीं चूक उनसे हो रही है, चूक होती हुई दिखाई पड़ रही है। चलिए तो देखिए अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर थे और इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान को नहीं बल्कि इशारों में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दिया है और कहीं ना कहीं ये उनसे चूक हुई है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस गले की फांस बन सकते हैं। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।